हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो क्यूब। आज आपके आगे एक और नई वीडियो लेके आ गए हैं, द ऑल न्यू मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे रीजंस कि क्यों आपको एंट्री लेवल सेगमेंट में इस ऑल्टो को कंसिडर करना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स को अगर कंसिडरेशन में लिया जाए तो। दोस्तों, सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स की बात कर लेते हैं। तो एंट्री लेवल सेगमेंट की जहाँ पर बात आती है, तो डैटसन में रेडी गो सीरीज इसकी मेजर राइवल थी, बट अब डैटसन डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। उसके अलावा ह्यूंडई की सेंट्रो, वो अगेन डिसकंटिन्यू हो चुकी है मार्केट से, और ऑल्टो का एक अपना राज रहा है जब से ऑल्टो इंडियन मार्केट में आई है सन 2000 से। तो तब से अगर बात करी जाए, तो अब मार्केट में अगर एंट्री लेवल सेगमेंट देखें तो एक ऑल्टो और एक दूसरा ऑप्शन रेनो की क्विड आपको देखने को मिलती है। तो इन दोनों में से अगर बात करें तो ऑल्टो आपके लिए क्यों बेहतर रहने वाली है, उन रीजंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है ऑल्टो की हिस्ट्री। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सन 2000 से ये गाड़ी बिकनी स्टार्ट हुई थी इंडियन मार्केट में, और आज की डेट में 43 लाख से भी ज़्यादा हैप्पी कस्टमर्स इस गाड़ी के मार्केट में अवेलेबल हैं। 2010 में इस गाड़ी के अंदर आपको CNG ऑप्शंस भी देखने को मिल गए थे, और साथ ही 2014 से ये गाड़ी आपको ऑटो गियर शिफ्ट यानी कि AMT के साथ भी प्रोवाइड कराई जा रही है। दोस्तों, ये था पहला रीज़न कि आप क्यों इस गाड़ी को कंसिडर करें ओवर द कॉम्पिटिटर्स। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है लुक्स। तो दोस्तों, लुक्स के मामले में ऑल्टो हमेशा एक अच्छी गाड़ी ही मानी गई है, और अब इस अपडेट के साथ मेरा क्या कहना है। तो दोस्तों, इस गाड़ी का वॉक अराउंड आप ऑलरेडी देख चुके हैं चैनल पे, और ये गाड़ी कई सारी गाड़ियों से इंस्पायर्ड आपको दिखाई देगी। अब इंस्पिरेशन लेना हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है, हम सभी लोग किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होते हैं, और ये गाड़ी भी काफ़ी सारी गाड़ियों से इंस्पायर्ड है। तो काफ़ी अच्छे अपग्रेड्स इसके अंदर आ चुके हैं। आपको इसकी लुक्स कैसी लगती हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओवरऑल लुक्स के मामले में भी ये गाड़ी आपको निराश नहीं करने वाली है। अब दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इस गाड़ी का इंजन। अब दोस्तों, आप लोग बोलेंगे इंजन में क्या है खास बात। तो दोस्तों, सबसे खास बात तो यहीं पे है कि 1 लीटर का 3 सिलेंडर डुअल VVT इंजन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि ना सिर्फ आपको एक अच्छी माइलेज देता है बल्कि एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि जब से ऑल्टो आ रही है, 800cc और 1000cc दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और ये वाला 1000cc इंजन कई सारी गाड़ियों में शेयर किया जाता है, और इसकी रिलायबिलिटी किसी को भी आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अब आ चुका हूँ इंटीरियर में। तो दोस्तों, फीचर्स के मामले में एंट्री लेवल कार से अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखनी चाहिए, और ना ही कोई फुलफ़िल करता है। बट एक एंट्री लेवल कार के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग व्हील, जिसमें आपको अगेन स्टेयरिंग कंट्रोल्स मिल जाएंगे, एक डिजिटल स्पीडोमीटर यहाँ पे प्रोवाइडेड है, एक टच स्क्रीन सिस्टम यहाँ पे दे दिया गया, और ओवरऑल एक स्पेशियस केबिन तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्लस ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की कन्वीनियंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो फीचर्स के मामले में यहाँ पे दी गई हैं, प्लस पावर विंडोज़, AC वगैरह, ये तो कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो सभी गाड़ियों के अंदर आते हैं। तो फीचर्स के हिसाब से भी वेल लोडेड है ये 2022 ऑल्टो K10। अब दोस्तों, इंजन आपको दिखा दिया है, तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है फ्यूल एफिशिएंसी। दोस्तों, एंट्री लेवल कार हमेशा फर्स्ट टाइम कार बायर्स या फिर अगर सेकेंडरी कार बायर्स भी देखते हैं, इवन अगर आप कोई से सेगमेंट की कोई भी गाड़ी कंसिडर करें, हमारा पहला पॉइंट रहता है कितना देती है। दोस्तों, कितना देती है के मामले में एक तो आप जानते हैं मारुति सबसे आगे, और मारुति में भी अगर सबसे आगे की बात करी जाए तो ऑल्टो उन सब में भी सबसे आगे है। इस गाड़ी का माइलेज क्लेम है अराउंड 24.90 KMPL का, और इतना माइलेज काफ़ी होता है एक इस सेगमेंट की कार के हिसाब से। क्योंकि दोस्तों, अगर 25 का क्लेम है तो डेफिनेटली ये गाड़ी आपको 20 की माइलेज ऑन रोड दे के दिखाएगी, और एक इस तरह की गाड़ी से 20 की माइलेज काफ़ी होती है। अब दोस्तों, स्पेस के बारे में आपको बता दिया, बट सिर्फ स्पेस ही नहीं, बूट स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है अगर एक प्रॉपर टिपिकल फैमिली कार की बात आती है, और यहाँ पर भी आपको ऑल्टो निराश नहीं करती है। एक अच्छा बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, हालांकि लोडिंग लिप यहाँ पे थोड़ा सा हाई आपको देखने को मिलता है, बट अदरवाइज यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। प्लस यहाँ पे कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह नहीं है, कोई एक्सपोज्ड वायर्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की, जो कि है स्पेस। आप देख सकते हैं मैं कितने कम्फर्टेबली इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ। मेरी हाइट है 5 फीट 10, और मेरी बिल्ड तो आप जानते ही हैं। तो अगर कंफर्ट के मामले में भी बात करें, स्पेस के मामले में बात करें, फैमिली के हिसाब से बात करें, तो भी ये गाड़ी वहाँ पे आपके लिए खरी उतरती है, और निराश होने का कोई स्कोप यहाँ पे मारुति ने नहीं छोड़ा है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सेफ्टी एक गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, और ऑल्टो है तो सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी कहीं ना कहीं ये है। तो दोस्तों, वहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, 15 से ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर किए जाते हैं। उसमें
बेसिक फीचर्स में अगर बात करें तो ABS, EBD और डुअल एयरबैग्स, साथ ही अगर बात करते हैं तो आपको प्री टेंशनर्स विद लोड लिमिटर्स दे दिए गए हैं, फ्रंट सीट बेल्ट के अंदर रियर पार्किंग सेंसर्स हैं और कई सारे और पार्किंग एड्स हैं, प्लस हार्ट टेक प्लेटफॉर्म जो कि अगेन सेफ्टी में थोड़ा सा इसका नाम खराब ज़रूर है बट कहीं ना कहीं क्रम्पल जोन्स वगैरह की जहाँ बात आती है तो ये प्लेटफॉर्म आपको एक बेहतर सेफ्टी ऑफर करने के केपेबल है। अब दोस्तों अगला पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन जो कोई भी एक गाड़ी ख़रीदता है तो ज़रूर देखता है, गाड़ी का प्राइस। तो दोस्तों ऑल्टो वैसे भी काफ़ी अच्छे सेल्स नंबर्स अचीव कर रही थी, कोई खास ज़रूरत नहीं थी इसे अपडेट करने की, बट मारुति ने आपके और हमारे लिए सोचा है, यही एक काफ़ी बड़ी बात है और एक पूरा नया प्रोडक्ट हमारे सामने है। अब दोस्तों नया प्रोडक्ट मतलब नया प्राइस मतलब इंक्रीज प्राइस, और कहीं ना कहीं कुछ ब्रांड्स इसका फ़ायदा भी उठाती हैं प्राइस को बढ़ा के, बट मारुति ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइसेस रखे हैं। जस्ट अंडर बिलो 4 लाख ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है 3.99 लाख से, और 6 लाख के नीचे इसका टॉप एंड वेरिएंट ऑटोमेटिक भी ख़त्म हो जाता है। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से भी ये गाड़ी आपको पसंद आने वाली है और बजट बायर्स के लिए ये एक बेस्ट पिक रहने वाला है। अब दोस्तों आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ जो कि है कलर ऑप्शंस। तो आपने 2 कलर ऑप्शंस तो मेरी वीडियोज़ में देख ही ली हैं, और कलर ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ तो टोटल 6 कलर ऑप्शंस आपको इस गाड़ी में अवेलेबल हैं। और कलर ऑप्शंस से अलग अगर बात करते हैं तो कस्टमाइजेशन भी ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। पहला पैक आप देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है ग्लिंटो। ग्लिंटो के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं एक आउटलाइन में बता देता हूँ। तो ये जितने भी क्रोम इंसर्ट्स वगैरह आप देख रहे हैं ये पार्ट ऑफ ग्लिंटो पैक है। और अब आ चुका हूँ अपने सेकेंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन की तरफ जो कि है इम्पैक्टो। इम्पैक्टो के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े से ब्लैक और ऑरेंज टचेस देखने को मिलेंगे, प्लस क्लैडिंग और अलॉय व्हील्स वगैरह यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं। इनकी डिटेल्स आपको मिलेगी हमारे शॉर्ट्स वीडियो में, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको लगता है कोई और ऐसा पॉइंट है जो इस लिस्ट के अंदर ऐड किया जा सकता है तो वो भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के वीडियो में बस इतना ही था, और इम्पैक्टो और ग्लिंटो जो 2 कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है इसमें से आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा ये भी लिख के बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।